जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस एक्सेस की क्लास में आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक्सेल से डाटा को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एमएस एक्सेस पे, और कैसे एमएस एक्सेस से एक्सपोर्ट करते हैं एमएस एक्सेल में। मतलब कि एक्सेल पे हम डाटा बनाएंगे, उसको एमएस एक्सेस पे टेबल ग्रुप में कैसे कन्वर्ट कर देंगे ये सीखेंगे, और एमएस एक्सेस का कोई डाटा कैसे हम एक्सेल में डाल देंगे ये सीखेंगे। आज की क्लास में ये सीखने वाले, क्योंकि एमएस एक्सेस की टॉपिक तो हमारी खत्म हो चुकी है। मैंने कहा था कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम एक टेबल बना, एक एक्सेल ओपन कर लीजिए, कुछ डाटा बना लिया जाए। चलिए हमारे पास डाटा है, और एक आध का नाम बोलो तो अपने बैच का, नाम बोलिए एक दोनों का अपने बैच का। हाँ, सजाद इसके पास एक है, उसका भी डीसी है 12,000। उसके बाद से कौन है, दिलीप है, ए डीसी है। उसके बाद कौन है, गुंजा है, कौन है, कौन है जी, प्रतिमा, अच्छा बिजनेस वाला है, प्रतिमा हो गई, एडीसी है। उसके बाद कौन सा कोर्स है, डीएफए का, और कौन है उसका तो नाम है, सो गया ना भाई। तो इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने क्या क्या बनाया था, डाटा थोड़ा एक बार देख लीजिए। तो आपको हमने बनाया स्टूडेंट ने कोर्स और फीस, तीन चीजें बनाई है, ये तीन चीजें बनाई है, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया है, बंद कर दिया। अब हम ओपन करेंगे विंडो आर और एमएस एक्सेस। ठीक है, अब ब्लैंक ले लीजिए कोई, वो क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ आने के बाद देखिए कोई टेबल बना हुआ है, नहीं टेबल वन बनाने जा रहा है, कहाँ बना हुआ है, दोनों चीजों में क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे आप एक्सेल डाटा पे, यहाँ एक ऑप्शन आएगा एक्सेल का, क्लिक करेंगे, पूछेगा फाइल नेम कहाँ है, ब्राउज कर लीजिए कहाँ है, डेस्कटॉप पे ओपन के नाम, ओपन करिए, ओके करिए, दिखा रहा है स्टूडेंट नेम कोर्स सी, कह रहा है फर्स्ट फ्लो को हेडिंग मान रहा है, सही बात है, फर्स्ट फ्लो को हेडिंग मानना है, ठीक है। नेक्स्ट करिए, फील्ड नेम में स्टूडेंट नेम शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा डाटा टाइप, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिए शीट वन क्या आ गया, यहाँ पे शीट वन आ गया, क्लिक करिए, देखिए डाटा बन गया है। आप एक्सेल पे भी काम कर डायरेक्टली यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी इसका भी व्यू चेंज कर सकते हैं आप, डिजाइन व्यू, देखिए अपने आप वो ले लिया है कि फी के लिए नंबर लेना है, कोर्स के लिए शॉर्ट टेक देख रहे हैं ना, ऑटो नंबर सब ले लिया है खुद। तो दिक्कत है, चलिए अब मान लीजिए कह दिया जाए कि यही, मान लीजिए यही बनाया गया है, मान लीजिए इसी डाटा को कोई कह रहे, चलिए एक काम कर, ठीक है। चूंकि क्लास रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, पावर इश्यू था, क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैंने बोला क्या कि आज हम क्या करेंगे, एक्सेल की डाटा को कहाँ करेंगे, एक्सेस पे कैसे लाएंगे, और एक्सेस की डाटा को कैसे हम वापस से उस पे लाएंगे। चलिए ओपन कर लेते हैं विंडो आर एमएस एक्सेस, क्योंकि हमारा सेव है, हमने आपको दिखाया कि एक्सेल का डाटा हमने एमएस एक्सेस पे लाके दिखाया था आपको, अभी जस्ट दिखाया था ना, ये रहा आ गया था।
अब हमको इसी डाटा को फिर से एक्सेल पे ले जाना है, तो क्या करेंगे, आप एक्सटर्नल डाटा में आएंगे और इस बार यहाँ इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट एंड लिंक था, यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ब्राउज कर देंगे कहाँ करना है। तो हमने क्या दिया, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप लिए सीट वन के नाम से, मैंने कहा हाँ सीट वन के नाम से, और सेव कर दिए, ओके कर दिए और क्लोज कर दिए और इसको बंद कर दिए। देखिए एक और एक बन क्या गया है यहाँ पे, हाँ बस क्लिक करिए, देखिए वही डाटा एक्सेल पे भी आ गया। तो आप इस तरह से एक्सेल की डाटा को एमएस एक्सेस पे एक्सेस कर सकते हैं और एमएस एक्सेस की डाटा को एक्सेल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। कर लेंगे, आसान है ना, स्टेप लिखवाना पड़ेगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल डाटा बना लेंगे, नॉर्मल डाटा बना लेंगे। और डाटा बनाने के बाद से क्या करेंगे, आपको जाना एक्सटर्नल डाटा, लिख लीजिएगा एक्सटर्नल डाटा बनाना, हाँ ये जरूर लिख लीजिए। इंपोर्ट लिंक से क्या होगा, आएगा, एक्सपोर्ट से क्या होगा, जाएगा। सॉरी, लिख लीजिए, ले प्रियंका फोन लेके आई हो, नहीं क्या हुआ, हो गया नहीं वाला का, बस यही करना था आपको, और फाइनली आपका एमएस सक्सेस आज क्या हो गया, खत्म हो गया। आप उसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, अब आपको हो जाएगा ना। इसमें पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं आप चाहे तो, कर लेंगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बस यही था एमएस सक्सेस, और आज फाइनली एमएस सक्सेस खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या हुआ, क्या कह रही हो, ये वाला इसी डाटा को पीडीएफ में कर दोगे, इसमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, लो बुक दोगे या पीडीएफ में, हाँ म्यूजिक में सेव कर दो, पब्लिश कर दो, लो देख लो, क्लोज कर दो, लो देख लो। अरे जो चीज पहले की है उसको क्यों बढ़ा रहे, म्यूजिक देखो तेरा म्यूजिक हाँ कैसे कर? हो गया, कुछ ही नहीं है, छोटी कर दे, दोबारा करके दिखा दे, बच्चे भी जान ले। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ, खोल लेंगे इसको, पीडीएफ दिया है, अगर फाइल में करना है तो फाइल में, एक्सएमएल फाइल में, तो कई फाइलें होती है ना, जैसे मान लो पीडीएफ में ही करना तो पीडीएफ पे क्लिक कर दो, उसे कहाँ करना है, मैंने कहा म्यूजिक में, और सेव कर दिया सीट वन नाम से, हाँ सीट वन सेव कर दिया मैंने, क्लोज करिए, मिनिमाइज करिए इसको, आ जाइए यहाँ पे, क्लोज कर दीजिए इसको, मिनिमाइज कर लीजिए, आ जाइए, देखिए म्यूजिक में सीट वन नाम से आ गया, ओपन कर लीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते, आज का डेट भी दिखाएगा किस डेट में किया गया, कर लेंगे, ऐसे दिया हुआ है, अगर यही फाइल में करना है तो फाइल में क्लिक कर दीजिए, कहाँ पे करना ब्राउज कर लीजिए, म्यूजिक में सीट वन, देखा सीट वन नहीं, एक और जो भी है तो सेव कर दिए, ओके कर दिए, ये सारे होंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। लीजिए आ गया, नहीं आ गया, टेक्स्ट पे हो गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ करना करते
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, इसलिए कामा, इन्वर्टेड कामा, डबल, ये सब लगा रहता है। ठीक है, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। फिलहाल आपका एमएस सक्सेस खत्म हो गया, यही से मेल वगैरह सब कर लेंगे। आउटलुक कॉन्फिगर करना पड़ेगा, फिर करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत है? बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।